शाळेत मुख्याध्यापक असताना व निवृत्त झाल्यावर पेन्शन मिळवण्यासाठी नाहक त्रास देणाऱ्या मुनाब अब्दुल रहमान शेख, शमसुल अरिपन मोहम्मद शरीफ, आबिद हुसैन मोहम्मद याकूब, मुस्तफा मोहम्मद इसा, इकबाल अहमद मोहम्मद शाबान यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून मला न्याय द्यावा या मागणीसाठी आज निवृत्त मुख्याध्यापक इकबाल मोहम्मद नासिर यांनी जिल्हा प्रशासनास या संदर्भाचं निवेदन दिलं. इकबाल अहमद मोहम्मद नसीर, रिटायर्ड हेडमास्टर नेसरुद्दीन हाईस्कूल आजनगर खुलिया. आज कलेक्टर साहब के सामने ये मेरा निवेदन देने आया हूँ. मुझे पूरी सर्विस के दरमियान इकबाल अहमद मोहम्मद शाबान ये पूरा ग्रुप ने मुझे बहुत हरेसमेंट किया. सर्विस के आखिरी साल यानी 2018-19 में तो हद से ज़्यादा तकलीफ किया. एक साल पहले VRS लेने के लिए मुझे बहुत दबाव डाला. VRS मैंने नहीं लिया तो धमकी देना शुरू किया कि तुम्हारे खिलाफ हम केस करेंगे, तुम्हारी पेंशन मिलने नहीं देंगे. मैं 31/7/2019 को रिटायर हुआ. उस दिन मेरा सेना प्रोग्राम करने में भी मुझे बहुत रुकावट डाले. स्टाफ को प्रोग्राम में बैठने से मना किया, बैठने नहीं दिए थे किसी को. मेरी मंजूर पेंशन 1-1.5 साल तक मिलने नहीं दिए. शिक्षण अधिकारी साहब को बार बार धमकी देते थे और मुझे 1.5 साल तक पेंशन से वंचित रखा. बहुत तकलीफ उठाई मुझे. रिटायर होने से 6 महीना पहले शेख मुनाब अब्दुल रहमान को पैसे देकर मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल करने को कहा. मुनाब शेख ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने इनकार कर दिया. इसलिए मुनाब शेख ने मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया. रिटायर होने के बाद 2019 में इकबाल मोहम्मद शाबान ने 287 पेज की एक तकरार तैयार करके मुनाब शेख अब्दुल रहमान को पैसे देकर तकरार करवाया और दूसरा केस दाखिल करने के लिए मेरे से पैसे मांग की और मैंने पैसे नहीं दिया. इसलिए दूसरा केस हाईकोर्ट में 2020 में दाखिल करा. इनके टेंशन में मुझे अटैक भी आ गया और बाईपास करना पड़ा. मैं अपनी ज़िंदगी परेशानी में गुजार रहा था. रिटायरमेंट के ठीक 2 साल बाद यानी 31/7/2021 को फिर शमसुल आरफीन, इकबाल अहमद, मोहम्मद शाबान इन लोगों के ग्रुप ने मुझे एक लेटर भेजा और उसमें लिखा कि तुम रिटायरमेंट के दिन माफीनामा कबूलनामा दिए थे, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे. ऐसी हमको लेटर दी गए. अब मैं पुलिस स्टेशन में तकरार करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो मुझे कोर्ट जाना पड़ा. कोर्ट से 16/3/22 को मेरा ऑर्डर आया, 136 का अर्ज मंजूर हुआ. अब मेरी प्रशासन से विनती है कि इन 5ों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और मुझे न्याय मिले. ये लोग सिर्फ मुझे धमकी नहीं देते बल्कि पैसे की मांगनी करते, पूरे स्टाफ को भी तकलीफ देते, उनको भी पैसे की मांगनी करते और धमकी देते. तो ये लोगों के ग्रुप से हम सबको छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं ये प्रशासन से विनती करता हूँ और अल्लाह से ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा.